नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर। और मैं योगेश्वर डेली आपके लिए जो करंट अफेयर की क्लास है वो लेके आता हूँ। उसका लाइव सेशन 6:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर होता है। यदि आपको इसका इन डिटेल डिस्कशन देखना है तो आप लाइव सेक्शन में जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर हम मुहूर्त और भी जो क्वेश्चन होता है उसके पीछे की स्ट्रेटेजी के भी देखते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं। तो इसी के साथ साथ ये एक बहुत बढ़िया तरीका है आपके रिवाइज करने का। और यदि आपने पूरा सेशन नहीं देखा तो कम से कम इसे जरूर देख लिया कीजिए। इसी के साथ साथ आज का जो सेशन है इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 2023 में साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2023? तो ये दिया गया है जॉन फोसे को। एनी अर्नॉक्स को भी लिटरेचर के अंदर मिला था, कौन से वर्ष में मिला था यह आपको मुझे बताना है। अगला है 19वें एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने फेंका था 88.88 मीटर। अगला है भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? When is Wildlife Week celebrated every year in India? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। अगला है विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना हाल ही में किन दो राज्यों के बीच शुरू हुई है? ये जो है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट किन दो राज्यों के बीच शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। अगला है वनडे विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? इन विच स्टेडियम वॉज द फर्स्ट मैच ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 प्लेड? तो ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर। अगला है हाल ही में भारत ने किस नए बोर्ड का गठन करने की मंजूरी दी है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ विच न्यू बोर्ड? तो अभी बनाया जाएगा क्या नेशनल टर्मरिक बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का निर्माण होगा। अगला है पूसा 44 किस किस्म की फसल से संबंधित है? पूसा 44 वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? तो ये है आपकी किसकी, पैडी। पैडी यानी कि धान की वेराइटी है। इसे अभी अभी पंजाब के अंदर बैन किया गया है, कारण मैंने आपको बताया था, आपको मुझे बताना वो कारण क्या है। अगला है हाई सेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंडियन क्रिकेटर जो है रविंद्र जडेजा, उन्हें किया गया है। अगला है हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति खोज की गई है? तो ये है आपकी क्या, ये है फिश। और लास्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये किया गया है किसे, ये किया गया है मनीष कपूर को। इसी के साथ साथ आपको मुझे ये बताना है कि आरबीआई का गठन कौन से वर्ष में हुआ था। इसी के साथ साथ आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी से अगली लाइव क्लास में।